और हमारे पार्टी के एक ऐसा नेता जिसकी कमी हम लोग को रोज खलती रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई ना कोई हल निकालने में वो सक्षम होते। बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी का यह बयान और इस बयान के मायने, विपक्षी पार्टियां भले ही कृषि कानून को काला कानून बताकर सरकार पर निशाना साध रही, लेकिन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बयान देकर अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल तो उठा ही दिया है। और हमारे पार्टी के एक ऐसा नेता जिसकी कमी हम लोग को रोज खलती रहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई ना कोई हल निकालने में वो सक्षम होते। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बिहार के विकास में। सुशील मोदी के इस बयान से साफ है कि एनडीए सरकार के कद्दावर मंत्रियों या बीजेपी के शीर्ष नेताओं से किसानों का मुद्दा संभल नहीं रहा है। आरजेडी ने सुशील मोदी के इस बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मतलब नीतीश कुमार के प्रवक्ता सुशील मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में वो काबिलियत, नेतृत्व क्षमता, ज्ञान और सामर्थ्यता नहीं कि किसानों से बात कर सके। सही बोला। जब सुशील मोदी घिरने लगे इस बयान को लेकर तो ट्वीट करके मीडिया पर अपनी बात थोप दी और लिखा कि मेरे दिए गए बयान को कुछ चैनल तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि केंद्र की तरफ से बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। किसान कड़ाके की ठंड के बीच अपनी मांग पर अड़े हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकला। और इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी का यह बयान विरोधियों के लिए संजीवनी का काम तो जरूर करेगी। बिहार तक डेस्क रिपोर्ट।